लोग हार्ड कॉपी में भेजते थे, अब हम लोग सॉफ्ट कॉपी में भेजना शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सॉफ्ट कॉपी में उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उसका जो बायोमेट्रिक डिटेल्स हमारे पास है वो भी हम भेजेंगे। तो अब अभ्यर्थी नौकरी पाने के बाद भी वो उस बायोमेट्रिक के दायरे में रहेंगे, और अगर नौकरी पा लिए राम कुमार बन करके और श्याम कुमार बन करके वास्तव में फिर नौकरी कर रहे हैं तो वो भी किसी भी समय में वो चिन्हित हो जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक हमारे पास और उनके पास भी रहेगा और बायोमेट्रिक अटेंडेंस से उसकी वेरीफाई हो जाएगा वो। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जितना मेहनत आप बायोमेट्रिक सिस्टम को तोड़ने में लगाएंगे शायद न तोड़ पाएँ, उससे बेहतर है कि उतना समय अपने पठन पाठन पर ध्यान रखें, अच्छे से परीक्षा दें, और अच्छा से कदाचार मुक्त परीक्षा रहेगा तो आपको सही तरीके से रिजल्ट भी मिलेगा, सही समय पर भी मिलेगा और सबका उसमें कल्याण होगा। अभी जो वर्तमान में जो हमें जो सूचित किया गया है वो 3,90,000 बीएड के अभ्यर्थी हैं और 3,00,000 डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हैं लगभग। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो स्वाभाविक है कि जो लोग डिप्लोमा भी किए हुए थे और बीएड भी किए हुए थे उन्होंने सिर्फ बीएड लिखा है, तो हम उनको ये मौका देंगे आफ्टर एग्ज़ाम, जैसा मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं, तो हम उनको मौका देंगे कि वो अगर डिप्लोमा भी किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं तो वो अपने सर्टिफिकेट में डिप्लोमा अंकित करने का उनको हम मौका देंगे। और मेरा ये मानना है कि इस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में, और अभी भी बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर 3,80,000 और 3,90,000 में कोई अंतर तो है नहीं, और हम फिर भी अगर 3,80,000 भी अगर डिप्लोमाधारी हैं तो 5 गुना करीब हो जाता है। नहीं, सर्टिफिकेट जिनके पास में दोनों का है, डिप्लोमा का भी है और बीएड का भी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बीएड ही लिखा है, तो उनको डिप्लोमा भी दर्ज करने का उनको हम मौका देंगे आफ्टर एग्जाम। वो ब्रेकअप नहीं है, वो अभी तत्काल वो ब्रेकअप, उससे आपको उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए पहली बात कि वो आपका उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंकड़े हैं हमारे पास और आंकड़े इतने ऐसे नहीं हैं कि बिहार के लोग कम हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिहार के लोग कहीं ज़्यादा हैं उससे, काफ़ी ज़्यादा उससे हैं, लेकिन ये विश्लेषण करने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, वो उत्सुकता आप बढ़ाते हैं, वो आप अपनी नहीं, आप गलत जगह पर ये सवाल पूछ रहे हैं, आपको ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं पूछना चाहिए। हम अपने आयोग की जो स्थिति है वो मैंने बता दिया, परीक्षा के संबंध में जो संशय था लोगों के मन में मैंने वो स्पष्ट कर दिया कि कौन अपीयर करेंगे नहीं करेंगे, ये उनका विवेक है, और उन्होंने जो लीगल रिकोर्स जो लिया होगा या लेना चाहते होंगे, 30 दिन का समय है उनके पास में पुनर्विचार याचिका अपना चाहें तो दायर कर सकते हैं वो। देखिए अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछ दिया, एक पॉइंट छूट गया था मेरा। आप लोगों को ध्यान होगा कि जो अपियरिंग कैंडिडेट्स के लिए ये बात नियमावली में भी था और हम लोगों ने भी ये पहले से भी डिक्लेयर किया हुआ है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट जो हैं उनकी परीक्षा 31 अगस्त तक हो जानी चाहिए, ये तो पहला शर्त है।
और दूसरा शर्त यह था कि उनका परीक्षा फल जो है वो ऐसी निर्दिष्ट तिथि तक हो जानी चाहिए जो आयोग बाद में संसूचित करेगा। अभी तक हम लोगों ने वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया, अभी तक वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ये नहीं था कि हम परीक्षा फल कब तक घोषित कर पाएंगे, क्योंकि वो आंकड़े हमारे पास नहीं थे उस समय जिस समय हम लोग आवेदन आमंत्रित कर रहे थे, कितने कैंडिडेट्स अपीयर करते होते हैं, कितनी संख्या में हमारे पास आता है मामला, OMR की हमारे स्कैन करके रिजल्ट निकालने की क्या क्षमता हमारी हो पाएगी, ये सब चीज़ थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने वो तिथि नहीं बतलाया कि रिजल्ट हम कब घोषित करेंगे, क्योंकि रिजल्ट घोषित करने के पहले हमें उनका वो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी।